हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। वीडियोस वर्ल्ड पर हम सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स के ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं। अगर आपको कोई भी ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्यूचर्स में भी अपलोड होने वाले वीडियोस को इजीली सर्च कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। यह है ई टैब ट्यूटोरियल, ई टैब 2015 ट्यूटोरियल डे 3। हमने न्यू किया, न्यू करने के बाद हम यहाँ पे यूनिट्स पे गए। ये डे 1 में हो चुका है। उसके बाद ये विंडो आ जाती है। इस विंडो में भी आपको मैं इस ग्रिड डायमेंशन, ये बॉक्स जो है हम कर चुके हैं डे 1 में, और स्टोरेज डायमेंशन बॉक्स को हम कर चुके हैं डे 2 में, और आज है हमारा एड स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डे 3। तो इस बॉक्स में देखिए, फर्स्ट क्या आ रहा है आपका, ब्लैंक। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ई टैब्स में अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर मॉडल बनाते हैं तो उसको ड्रॉ करने से पहले आपको एक उसकी ग्रिड आपको बनानी होगी, ग्रिड डिफाइन करनी होगी। उसके बाद आप उस ग्रिड के ऊपर अपने स्ट्रक्चर एलिमेंट, बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ब्लैंक पर ओके करता हूँ तो क्या होगा, हमारी विंडो ब्लैंक आएगी, उसमें कोई ग्रिड नहीं आएगी। उसके बाद आप अंदर से ग्रिड को ऐड कर सकते हो या फिर विदाउट ग्रिड भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। बट अगर आप विदाउट ग्रिड बनाओगे तो केवल आप 2D स्ट्रक्चर बना सकते हो, 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो हम पहले ब्लैंक पर क्लिक करके ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, ये केवल प्लेन दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा ब्लैंक है। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पे कोई, तो देखिए ड्रॉ तो हो रहा है बीम, बट ये कहाँ हो रहा है, किस एलिवेशन पे हो रहा है, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर मैं इसका 3D व्यू देखूँ, देखिए ये किस हाइट पे ड्रॉ हो रहा है, और ये हाइट हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो विदाउट ग्रिड आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। दोबारा से हम वहीं उसी विंडो पर जाते हैं, न्यू फाइल, सेलेक्ट यूनिट एंड ओके। सेकंड सेकंड ऑप्शन है ग्रिड। जैसे कि फर्स्ट में और सेकंड में बता चुका हूँ कि हम ग्रिड की स्पेसिंग, ग्रिड का प्लान, इसमें हम ग्रिड का प्लान डिफाइन करते हैं और इसमें हम ग्रिड का लेवल स्टोरी डिफाइन करते हैं। तो जिस तरह की हम ग्रिड डिफाइन करेंगे, अगर हम ग्रिड ओनली पे क्लिक करते हैं तो उस तरह की ग्रिड हमारी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कि डिफॉल्ट ग्रिड जो है आपकी, ये आपकी है 3 स्पैन इन एक्स डायरेक्शन 8 8 मीटर, 3 स्पैन इन वाई डायरेक्शन 8 8 मीटर, और यहाँ पे आपका ये 4 फ्लोर। अगेन ओके। अब ये जो आपके दो बॉक्स हैं, ब्लैंक और ग्रिड ओनली, इसके बाद जितने भी हैं आपके, ये हैं आपके पहले से डिफॉल्ट स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर जैसा है तो आप इन स्ट्रक्चर पे ओके करेंगे, अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनकी डायमेंशंस प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं और आपका वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। इससे आपका आप कोई भी स्ट्रक्चर फास्ट तरीके से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्टील डेक, यानी कि स्टील डेक में इसमें एक स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ है जिसमें डेक स्टील का है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि आप कोई भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम इसकी डिटेल में ही जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने बताई नहीं है अभी, जो आगे की वीडियो सीरीज में हम बताएंगे। तो जब वो आगे की वीडियो सीरीज हो जाएंगी उसके बाद हम फिर यहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस एक आपको क्विक रिव्यू देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे कि कॉलम और बीम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। डिफॉल्ट इसने कुछ प्रॉपर्टी ली है लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। लोड पैटर्न चेंज कर सकते हो, सपोर्ट पैटर्न, स्पैन चेंज कर सकते हो, इंटरसेक्शन, पिन, सेमी रिजिड, रिजिड, ये सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके तो इसको हम ओके करते हैं और इसको भी ओके करते हैं। स्टील डेक को देखिए तो ये कैसा होता है, ये देखिए कॉलम बीम सपोर्ट प्लस स्टील डेक,
और यहाँ पे जो आपकी एरो मार्क दिख रहे हैं, आपका होता है किस डायरेक्शन में आपकी स्लैब है। इसको एक बार रेंडर व्यू में भी देख लेते हैं। रेंडर व्यू हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस जनरली ऐसे। ये देखिए रेंडर व्यू में ऐसा ही आई सेक्शन कुछ ले लिया। अगर आप इन सबको चेंज कर सकते हैं जैसा इन्होंने बताया था। इसको क्लोज करते हैं, फिर आप न्यू पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टैगर ट्रस, इस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं हम। इसमें भी हमारे बहुत सारे ट्रस के एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। स्पैन, सपोर्ट, लोड, आप कोई भी प्रॉपर्टी सेम एज प्रीवियस आप चेंज कर सकते हो। इसको भी एक बार देख लेते हैं किस टाइप का मॉडल है। ये देखिए इसमें ट्रस लगे हुए हैं। अगर आप इसे वैसे बनाएंगे तो कितना टाइम लगेगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, आपका स्ट्रक्चर मान लीजिए 4-5 फ्लोर का, इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्लोर हैं, स्पैन की लेंथ कुछ और है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाकर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी एक विंडो ओपन हुई थी, उसमें आप कर सकते हो चेंज, तो आपका स्ट्रक्चर कितना फास्ट और जल्दी बन जाएगा। इसको भी अगर 3D में देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये आपका रेंडर व्यू के बारे में भी हम डिटेल में आगे वीडियो सीरीज में देखेंगे। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो ई टैब के ऊपर, तो आप चाहते हो कि प्रोजेक्ट्स में जो इमेजेस हैं प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी क्वालिटी के आए, तो हम रेंडर यूज़ करेंगे और बाद में उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट न्यू, देन फ्लैट स्लैब है। फ्लैट स्लैब, पैरामीटर बीम, वेफल स्लैब, टू वे और रिप स्लैब। एक बार वेफल स्लैब और चेक कर लेते हैं। देखिए वेफल स्लैब, इसका 3D में व्यू देखें कैसा होता है। ये देखिए। अच्छा, जिन लोगों ने स्टैट प्रो, जिन लोगों को आता है उनको मैं बता दूं, स्टैट प्रो में एक होता है आपका स्ट्रक्चर विजार्ड, जिसमें पहले से कुछ फ्रेम्स बने होते हैं और आप इंपोर्ट करके आप भी उनको अपनी बिल्डिंग को बना सकते हैं वहां से भी। तो सेम वही चीज़ ये है, पहले से कुछ मॉडल्स बनाए हुए हैं, इनकी प्रॉपर्टी को आप चेंज करके अपने हिसाब से मॉडल बना सकते हैं। तो आपका जो न्यू क्विक टेम्पलेट बॉक्स है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसमें जो आपके स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको और डिटेल में हम आगे की सीरीज में स्टडी करेंगे, बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं बताई हैं, तो हम आगे उन्हें डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म ग्रिड 4 स्टोरी जो डिफॉल्ट डाटा है ये लेकर एक ग्रिड ओनली पे ओके कर देते हैं। ओके, ये आ गया। देखिए ये हमारा प्लान है इस विंडो में, और ये विंडो है हमारी 3D विंडो। ई टैप का ये एडवांटेज और है कि इसमें मल्टीपल विंडोज आ जाती हैं। देखिए मैं एक विंडो और ऐड कर लेता हूँ इसमें, और इसमें मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ एलिवेशन, एलिवेशन। ओके, अब देखिए इसमें व्यूज हैं, विंडोज हैं, ये सब है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम व्यू, उसके बाद हम कैसे बीम प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो हमारे बिगनर हैं उनको वीडियो शायद अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से चल रहे हैं। जिनको पहले से कुछ नॉलेज स्टेप के साथ, उनको थोड़ा बोरिंग लगे, बट आगे हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, जहाँ पे हम सीज़मिक एनालिसिस, विंड लोड एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, बुश ओवर एनालिसिस डिटेल में उनकी स्टडी करेंगे और प्रोजेक्ट्स करेंगे, और हम कुछ स्ट्रक्चर कुछ प्रोजेक्ट्स मैनुअली भी करेंगे, उनको ई टैप से करेंगे, उसके बाद हम स्टैड और अदर सॉफ्टवेयर से हम कंपेरिजन भी करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे आगे जाके। थैंक यू।